अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने साल 2023 की ड्यूटी लिस्ट जो है उसको अपडेट कर दिया। उसके हवाले से अपडेट्स जो है वो जारी हो चुकी हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये जो कि न्यू स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ट्यूटर होता क्या है, जिनको आपने अपनी असाइनमेंट जिसको मशकें कहते हैं वो आपने जिनको लिखकर जमा करवानी होती हैं उनको ट्यूटर्स कहा जाता है। उससे अगला सवाल ये होता है कि हम अपने ट्यूटर्स चेक किस तरह कर सकते हैं। तो ट्यूटर चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, एडमिशन कन्फर्म हो जाने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है सीएमएस अकाउंट का। तो उस सीएमएस अकाउंट को आपने ओपन करना है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है माई ट्यूटर्स का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वहां पर ट्यूटर शो हो जाएंगे। तीसरा और आखिरी सवाल ये होता है कि हमारे ट्यूटर शो नहीं हो रहे या हमारे ट्यूटर्स कब तक शो कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक एफएआईकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 31 मई तक इंतजार कर लेना है। इंशाल्लाह 31 मई तक उनकी जो ट्यूटर लिस्ट है उनको मुकम्मल तौर पर अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी बीए बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्यूटर लिस्ट जो है वो जुलाई तक अपडेट होगी, मे बी अगस्त तक भी जा सकती है। तो आपने इन डेट्स तक वेट करना है। बाकी जो बड़ी क्लासेस हैं जिसमें बीएसएफ बीएड एडी एमएमएससी एमएड एमकॉम और एजुकेशन, आपको ट्यूटर्स की जरूरत नहीं होती। आपने अपनी जो असाइनमेंट है वो डायरेक्ट एलएमएस के ऊपर अपलोड करनी है। तो जैसे ही एलएमएस का शेड्यूल आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके हवाले से मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।